सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ ब्रोतर। सो गाइस, आज का मतलब कि अपना कोई ब्लॉग राइड पे नहीं है, जाने का कोई कुछ नहीं है, बट आज का ब्लॉग अपना मतलब कंपैरिजन का। सो एमटी का कंपैरिजन करेंगे V3 के साथ। सोचा कि कंपैरिजन करते हैं, अपने चैनल पे कोई भी कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं है। अभी बात करते हैं इनकी पावर BHP के बारे में। सो गाइस, इसकी आई थिंक मेरे हिसाब से 18.1 BHP और उसकी है आई थिंक 18 BHP। सो टॉर्क की बात करें, इसका 14.1 टॉर्क है और उसका 14 ही है पूरा। क्यों तो अब बात करें इसमें, मतलब कि पहले से ऑलरेडी ABS डुअल चैनल ABS आता है। सो अभी लेटेस्ट अभी मतलब जो कि न्यू MT आ रही है उसमें डुअल चैनल ABS है। मतलब कि जो मेरे पास है उसमें डुअल चैनल ABS है, बट इसमें पहले जो कि पहले वाली MT थी उनमें ना मतलब सिंगल चैनल ABS आता था। अभी हाल ही में तुम्हारे भाई ने बाइक परचेज करी है, उसमें मतलब डुअल चैनल ABS आ रहा था, तो भाई तुम्हारे ने वही परचेज करी। सो मतलब ऑब्वियसली यार, तुम्हारे भाई को यही पसंद थी तो यही परचेज करनी थी। सो यार, मुझे ना 2 महीने मतलब राइड करने के बाद ना मुझे इसमें मतलब जो कि न्यू लेटेस्ट वाली MT है ना, उसमें मुझे ना यार कुछ प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ रही है। अभी तो मैंने मतलब इसकी चाबी ऑन करी है, जो इसका मीटर है ना मतलब कि एरर दिखाता है, मतलब कि अगर मैं चलूंगा तो कोई स्पीड नहीं दिखा रहा है, और इसका ABS ऑलरेडी मतलब जब भी चलाता हूं तो ऑफ ही रहता है। सो यहां पे मतलब इसका TCS ये भी मतलब चलाऊंगा तो चलते चलते अपने आप ही ऑफ हो जाता है। यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यार। अभी मतलब कि हाल ही में बड़ी वाली मतलब गलती कर दी है मैंने, जो कि मतलब कि यहाँ पे जो TCS वगैरह है ना, जो लेटेस्ट न्यू मॉडल है, अगर सोच रहा था थोड़ी देर ना मतलब कि वेट कर लेता ना तो इसका थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हो जाती तो उसके बाद में मतलब कि लेता, बट यार क्या करें अब ले लिया। बट मैं 2 बार एजेंसी में गया हूँ यार, उनको बोला, उन्होंने बोला कि सर ठीक हो गया, लेकिन अभी फिर से वही बार मेरे को वही कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होते हैं ना कन्फ्यूज रहते हैं कि MT ले कि चाहे मतलब V3, इसका तो न्यू वेरियंट आ गया अभी V4। सो मतलब कि काफ़ी सारे बंदे मतलब कन्फ्यूज रहते हैं कि मतलब कि MT परचेज करें कि V3, मतलब इसलिए हमने सोचा कि आज भी इसी टॉपिक पे ना वीडियो बना लेते हैं। सो अभी अपने मतलब भाई आया हुआ है इब्रार भाई, जो कि उनके उन्होंने अभी हाल ही में मतलब कि V3 परचेज करी हुई है। सेकेंड हैंड परचेज करी ना आपने? बंद हो गया ना। हाँ तो न्यू ये बंद हो गया, V4 है, सभी को पता ही होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इन दोनों का कंपैरिजन हो। तो मतलब कि आप थोड़ा सा रिव्यू करो ना, मतलब कैसे लगी आपको जो मतलब V3 बाइक? मैंने भी आपकी वाली भी राइड किया, वो भी राइड किया, बट दोनों मतलब कि चलाने में पावर सेम है इनकी। हाँ सब कुछ सेम है, बट ये है कि नेक्ड है, इसमें बैठने के लिए वो अच्छा मिल जाता है, पोस्चर अच्छा मिल जाता है, तो ये लॉन्ग ड्राइव के लिए ये अच्छी रहेगी हमारे लिए। हाँ उसमें वो फेयरिंग में आती है ना उसकी, मतलब कि जब मैं दिखाता हूँ यार अभी मतलब इब्रार भाई बैठे ना, उसमें पता है क्या दिक्कत आती है, मतलब अगर जाना ना मतलब इसका हैंडल ना कुछ इस तरह का है और सारा बॉडी का प्रेशर ना मतलब पूरी हाथ पे पड़ता है, तो ये जो ये चीज़ होती है ना मतलब यहाँ पे दर्द हो जाती है अगर लॉन्ग राइड करनी होती है ना, पूरी की पूरी लाल हो जाती है। सो अगर मतलब कि इसको लेके जाना भाई, मैं बहुत बार जम्मू में लेके गया हूँ, बिल्कुल सीधे बैठे हुए मतलब कि बिल्कुल सही पोस्चर मतलब बैठे हुए हैं और सामने मतलब कि मजे से मतलब कोई मतलब कि लॉन्ग राइड पे जाए कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस पे, और वो फेयरिंग में उसमें एडवांटेज मिलती है हाई स्पीड में। तो इस यार इसकी मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही है, बट यार अगर देखा जाए मुझे लगता नहीं इसमें TCS वगैरह होगा, नहीं है ना इसमें TCS नहीं है और साथ में डुअल चैनल ABS ये इस चीज़ का दिखा रहा है। अच्छा तभी दिखा रहा है, सो मुझे पता नहीं था अभी। तो अगर बात करें यार दोनों की लुक्स के बारे में, तो भाई मैंने तो पीछे से जो इसकी मतलब टेल थी जो मैंने वो निकाल दिया, सो पीछे से ऐसी लुक दिख रही है यार। सॉरी यार अगर पीछे से मतलब कि बाइक मतलब काफ़ी ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ, तो अपने इब्रार भाई के भी उन्होंने पीछे से मतलब ऊपर वाली निकाल दी, वहाँ पे नंबर प्लेट लगाई है और नीचे मतलब कि छोटा सा वो लगाया हुआ मडगार्ड, तो मैंने नहीं लगाया यार, मुझे वैसे अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसे मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक लगती है, तभी मैंने ऐसे करवा दिया। सो आगे से तुम देखोगे अपनी बाइक मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि जो भी मतलब लेने के चक्कर में रहता है भाई, जो इसकी आईज़ है ना भाई, कसम से यार मैं भी इस मतलब कि इसी चीज़ पे फ़िदा हो गया था कि मुझे यार इसकी आईज़ ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा ना यार इसकी आईज़ ना बहुत सारी मतलब बहुत अच्छी अच्छी मॉडिफाई होती हैं, वो बात अलग रही, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये फेयरिंग में, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, बट यार तुम्हारे भाई को जो ये पसंद थी तुम्हारे भाई ने यही परचेज़ करी। तो हाल ही में अगर देखा जाए यार, अगर देखो ना, मगर मतलब कि हर एक बंदे का खुद का वो होता है कि उसे मतलब फेयरिंग में लेनी है या कि नेगेटिव में लेनी है, वो मैं वो जज नहीं कर रहा, या किसी को भी लेनी है वो मैं नहीं बोल सकता, बट यार सब हर एक बंदे की खुद की पसंद होती है, चाहे वो फेयरिंग ले चाहे वो नेगेटिव ले, ठीक है। तुम्हारे भाई की पसंद थी भाई तुम्हारे ने ये ले, अगर देखा जाए अदरवाइज़ अगर लॉन्ग राइड के लिए तुम्हें मतलब कि बाइक लेनी है तो भाई तुम ये ले सकते हो, मतलब कि तुम जितनी मर्जी लॉन्ग राइड करो भाई, तुम्हें कभी भी थकावट नहीं होगी अगर लोगे तुम भाई ये लॉन्ग राइड के लिए, अदरवाइज तुम्हें कहीं पे लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है भाई, बहुत बुरा हाल होने वाला है तुम्हारा, क्योंकि अपने इब्रार भाई को पूछ लो आप क्या हाल होता है, कितनी बार जम्मू कितनी बार गए हो? 2-3 बार का, बड़ी बुरी हालत है। क्या मतलब कि जब आप वापिस आते हो घर पे क्या मतलब क्या लगता है आधे रास्ते? 3 घंटे तो बंदे को पहले रेस्ट चाहिए पूरी अच्छी तरह।
इसका हैंडल ही वैसा है ना, इसका पोस्चर ही वैसा है कि अदरवाइज बैठोगे ना बॉडी का प्रेशर ही पूरा यहाँ पे आता है, पूरा पूरा का जुड़ाओगे ना फिर मजा आएगा। हाँ फिर ये देती है, ये लॉन्ग में देती है क्योंकि फेयरिंग में आती है ना, फिर लॉन्ग में ये मानती नहीं है भाई, वो बात अलग रही। बाकी यार तुम पे डिपेंड करता है भाई, मुझे ये पसंद है तो मैं ये परचेज करूंगा, इब्रार भाई को ये पसंद है हाय। तो बच्चे ने मतलब स्कूल बस मतलब यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने हाई किया तो भाई हाई कर देते हैं। सो यार यही चीज़ है मतलब कि यार बंदे के मतलब कि कोई भी है खुद की पसंद पे होता है यार, उनको फेयरिंग वाली अच्छी लगती है तो मुझे नेकेड अच्छे लगती है तो मैं वही ऑब्वियसली वही परचेज करूंगा। बट यार ऐसे मतलब हाँ मतलब कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी आप बताओ ना मतलब पहले आप इनके पास ना आरसी थी, हाँ तो इनको थोड़ा सा चल जाता है, बट यार अगर अदरवाइज कोई न्यू बंदा लेगा ना भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है कि जिसको डेली ट्रैवल करना है ना वो ये ले सकता है यार, मतलब कि बिना सोचे समझे तुम ये उठा लो यार, हाँ वो तो है। बट यार ऐसे कोई होता है ना तो उसको थोड़ा सा हाइट में ऊपर बैठने के लिए थोड़ा सा उसकी पीछे वाली हाइट का पोस्चर वो काफ़ी ज़्यादा हाइट में आता है ऊपर, हाँ उस पर ना मतलब कि मम्मा नहीं बैठ सकते बट इस पर बैठ सकते हैं क्योंकि इसकी ना इसकी सीट तुम यहाँ से देख ही पा रहे होगे ना कुछ इस तरह की है, मतलब प्लेन में ही आती है, ज़्यादा हाइट नहीं आती इसकी, बट उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तुम यहाँ से देख लो कितनी ज़्यादा हाइट है। अदरवाइज जो चला रहा है वो यहाँ तक आएगा लेकिन जो पीछे बैठा होगा भाई वो यहाँ तक आता है। सभी की अपनी पसंद होती है ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा, बट यार मतलब कि खुद की पसंद होती है, तुम्हें जो परचेज कर रहे हो तुम करो। आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बस यार इसी चीज़ के लिए मैं मतलब आज वीडियो बनाने के लिए आया था कि कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई आप बताओ आपको बाइक कौन सी वाली अच्छी लगी? कौन सी एमटी वाली? पर वो भी अच्छी है यार, वो भी अच्छी है। चलो कोई बात नहीं, सो गाइज आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड स्टे सेफ।